सर्दी आते ही अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगते हैं। एक तो ठंड, दूसरा पोल्यूशन, जिस वजह से उनकी जो सांस की नली है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और कई बार अस्थमा के अटैक्स आने लगते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं इस ठंड के मौसम में ताकि बार बार आपको अस्थमा के अटैक्स ना आए और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है मेघा एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी लाइव। देखिए, ठंड और पोल्यूशन की वजह से अस्थमा जो है वो कई बार ट्रिगर हो सकता है, तो ऐसे में आपको ठंड और पोल्यूशन दोनों से बचने की जरूरत है। बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का यूज करें, स्कार्फ का यूज करें, मफलर का यूज करें, खुद को अच्छे तरीके से ढक करके रखें, ऊनी कपड़े पहने ताकि आपको ज्यादा ठंड ना लगे। इसके साथ ही जितना हो सके घर पर रहने की कोशिश करें, बाहर जाना अवॉइड करें, खासकर उस टाइम पर जब पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। और हाँ, अगर आप घर पर भी रहते हैं तो एयर प्यूरिफायर अपने घर पर जरूर लगाएं, इससे आपकी हवा जो है वहां की साफ होगी और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है इनहेलर, यानी आपके डॉक्टर ने जो भी आपको प्रिस्क्राइब इनहेलर दिया है वो हमेशा अपने पास रखें ताकि कभी भी अगर अस्थमा का अटैक आए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर आती है दूसरी चीजों की बारी, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ठंडा खाना और ठंडा पानी पीना अवॉइड करना है। जितना हो सके गर्म खाना खाएं या फिर हल्का गुनगुना पानी पिए। ज्यादा ठंडे पानी से नहाना भी अवॉइड करें, हल्का गुनगुना पानी ही पिए और हल्के गुनगुने पानी से ही नहाएं। गर्म कपड़े पहने, घर में हो सके तो हीटर का यूज करें ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा ठंडी ना लगे आपको। देखिए, आपको ठंड और पोल्यूशन से तो बचना ही है, इसके साथ ही आपको सिगरेट के धुएं से भी बचना है। उन जगहों पर जाना अवॉइड करें जहां पर सिगरेट लोग ज्यादा पीते हैं, या उन फ्रेंड्स या फिर फैमिली वालों के साथ भी जाना अवॉइड करें क्योंकि इससे भी आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। एक और चीज, कुछ प्राणायाम जो आप अपने घर पर कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के फॉर्म में ताकि अस्थमा का जो अटैक है वो थोड़ा कम हो। सबसे पहले तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है। इससे आपके लंग्स क्लीन होते हैं, आपके लंग्स मजबूत होते हैं। फिर दूसरा है कपालभाति, इससे आपकी जो सांस की नली है वो अच्छे तरीके से साफ होती है, आपको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो भी प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाती है। लास्ट है, आपको स्ट्रेस से भी दूर रहना है। उससे दूर रहने के लिए आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कई बार स्ट्रेस की वजह से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, तो आपको ये सावधानियां बरतनी जरूरी है। अब सबसे जरूरी चीज कि अगर अस्थमा का अटैक आ जाए तो क्या करें। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि अपना इनहेलर अपने पास रखें, जो आपको डॉक्टर ने दिया हुआ है तो उसका यूज करें। इसके साथ ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। उस सिचुएशन में शांत रहने की कोशिश करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, आप लंबी गहरी सांस लें जिससे आप थोड़ा सा काम हो सके। जो चीज़ें हमने अवॉइड करने को बोली एक बार उसे कंक्लूड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर जाना अवॉइड करें, ठंडा पानी पीना, ठंडे पानी से नहाना अवॉइड करें, खुद को गर्म रखें, ढका हुआ रखें, अपने रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखें। बाहर जगहों पर जहाँ पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, जहाँ लोग स्मोक करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, उन जगहों पर जाना अवॉइड करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप डेली रूटीन में फॉलो कर लेते हैं तो इससे अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।